प्रेजेंट साहब की हिदायत बिल्कुल साफ है। ईस्ट पाकिस्तान में बागियों पर हमारी पकड़ कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। आप लोगों ने दावत की तैयारी तो कर ली, मगर इन्विटेशन कायदे से नहीं भेजा। सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हथियारों का जवाब हथियारों से दे। सर 1971 इंडिया ईस्ट पाकिस्तान की मदद करता है और बांग्लादेश में। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स पर आया अब तक का बड़ा अपडेट। जी हां, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की आलिया भट्ट जफर द्वारा निर्देशित फिल्म बड़े मियां छोटे मियां उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। रिलीज के बाद हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अक्षय कुमार एक ठोस फिल्म के साथ वापसी करेंगे। ऐसा लगता है कि मैडॉक्स फिल्म्स और जियो स्टूडियो की संदीप केलवानी और अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म स्काई फोर्स के साथ दर्शकों की प्रार्थना जल्दी पूरी होने वाली है। साल 2024 में अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन, रेड 2 को छोड़कर सलमान खान, शाहरुख खान और रणबीर कपूर की कोई बड़ी रिलीज नहीं है। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि एक्टर की फिल्म स्काई फोर्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी। इंडस्ट्री और ट्रेड जगत को स्काई फोर्स पर भरोसा है, जो उनका मानना है कि यह इस साल 2 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज के साथ सच्चे व्यवसायी पॉट बॉयलर की कमी को भरने जा रहा है। स्काई फोर्स का निर्देशन और लेखन संदीप केवलानी और अभिषेक कपूर ने किया है। फिल्म का निर्देशन दिनेश विजयन, अमर कौशिक और ज्योतिका देशपांडे कर रही है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा निमरत कौर और सारा अली खान दमदार एक्टिंग करते नजर आएंगे। फिल्म की आधिकारिक घोषणा पिछले साल की गई थी और में दर्शकों को इस विषय के लिए उत्साहित कर दिया है। टीम ने अपना पूरा शूटिंग शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है और अब यह अपने पोस्ट प्रोडक्शन चरण में आगे बढ़ रही है। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई, लखनऊ, सीतापुर, अमृतसर, हैदराबाद सहित विभिन्न स्थानों पर की गई है। संदीप को अनुभवी फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी से फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। उनसे जब राजकुमार हिरानी और उनके बीच की समानता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजकुमार सर आज भी मेरे मुख गुरु की तरह है। अगर मैं लिखते समय या कुछ भी करते समय अटकता हूँ तो मैं बस उनकी फिल्में देखने लगता हूँ और मुझे सभी उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। हालांकि यह मेरे स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ने का अच्छा तरीका नहीं है, उनकी फिल्मों से उधार ले या नकल करे, लेकिन मुझे वह दिव्य उत्तर मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। खैर दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है अक्षय कुमार की इस फिल्म के लिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।